सबको नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुबाबू, संजीवनी प्राकृतिक आश्रम से। दोस्तों, जब आप रोज चाय पीते हैं तो उसमें दूध और चाय पाउडर के साथ कुछ और मिलते हैं ना, क्या है? शुगर, शुगर है ना। ठहरिए, पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए शुगर डालना या उसके अलावा और कुछ डालना। ओके, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हम सब हर रोज़ चाय में, कॉफ़ी में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी को सफ़ेद जहर बोलते हैं, इसलिए थोड़ी लोग चीनी का इस्तेमाल कम कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी के बजाय और एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते। हमको चीनी शुगर केन से मिलते हैं। शुगर केन से मिलने वाली और एक चीज़ है, वो है गुड़। अगर आप चीनी के बजाय गुड़ को इस्तेमाल कर सके तो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होगा। स्वाद में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको बनाने का तरीका में फर्क है। चीनी बनाने का प्रक्रिया में पूरा रिफाइन हो जाते और उसमें से पूरा पोषक तत्व चले जाते हैं। गन्ने का रस में केवल ग्लूकोज ही नहीं रहता, इसमें मैग्नीशियम रहते हैं, जिंक रहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम रहते हैं। ऐसे सूक्ष्म पोषक बहुत रहते हैं। अब जब हम गन्ने लेते हैं, अगर उसमें से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमको मिलना है तो ये सूक्ष्म पोषक की होना चाहिए, इसलिए प्रकृति ऐसा बनाए है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सूक्ष्म पूरा पोषक निकलने के बाद सिर्फ ग्लूकोज ले रहे, लेकिन गुड़ ऐसा नहीं है। इसको बना बहुत आसान है। गन्ने का रस को उबाल लेते और ठंडा होने के बाद गुड़ को बनाते। पहला चीज़ ये है कि चीनी की तुलना में गुड़ में कम रसायन होते हैं। दूसरा, पोषक का महत्व गुड़ में बहुत ज़्यादा रहता, इसलिए अधिक स्वास्थ्य लाभ के लिए चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें। अगर गुड़ को अन्य सामग्री के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो यह एक औषधि की तरह काम करते हैं। अगर आप कभी सुस्ती महसूस करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आपको तुरंत एनर्जी देगा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ गुड़ का एक टुकड़ा खाने से बीपी कम होता है? रोजाना 20 ग्राम गुड़ का सेवन करने से आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए पुराने जमाने में गुड़ का पानी इलाज के साथ पिलाते थे। गुड़ के साथ स्वाद की बात आती है और सेहत की भी। गुड़ को धनिया के साथ लेने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। गुड़ को जीरा के साथ लेने से औरतों में पीरियड्स प्रॉब्लम कम हो जाएगा। यदि आप गुड़ को जीरे के साथ लेते हैं तो भारी मासिक धर्म के साथ दर्द तुरंत कम हो जाएगा। गुड़ को घी में मिलाकर खाने से कब्ज कम होता है। मूंगफली के साथ गुड़ खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। अगर आप तिल में गुड़ मिलाकर सेवन करते हैं तो यह आपको मौसमी फ्लू से बचाएगा। जो लोग हर रोज गुड़ खाते हैं उनमें एनीमिया नहीं देखा जाता है। सेहत के साथ साथ स्वाद भी चाहिए तो गुड़ का सेवन रोज जरूर करें। अब आप बोलिए, चाय में कौन सा डालेंगे, गुड़ या शुगर? आप डिसाइड कीजिए। ऐसा वाला चीज़ों को और जानकारी के लिए नीचे डिस्प्ले होने का नंबर का संपर्क कीजिए। नमस्कार।